पता होगा कि मैंने आसनसोल से न्यू दिल्ली अपनी जो बाइक है उसको ट्रेन से पार्सल करवाया था, तो अभी जस्ट मुझे फ़ोन आया था कि आपका बाइक आ चुका है, आप आके रिसीव कर लीजिए। लगभग अभी टाइम हो रहा 4:30 और 4 बजे के आसपास में फ़ोन आया था, तो मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी और अब जा रहा हूँ बाइक रिसीव करने। तो चलिए चलते हैं, अभी जाऊँगा ई रिक्शा से और मेट्रो से, तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। अभी उतरा हूँ राजीव चौक पे, तो यहाँ राजीव चौक से चेंज करने के बाद मैंने पकड़ा था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो चेंज किया था, और अभी उतर चुका हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में ही है, चलिए चलते हैं। उतर चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पे पता करता हूँ, तो बता रहे कि यहाँ से 2 पार्सल हाउस से, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे है। बहुत पहले आया था 3 साल पहले बाइक से, तो वो मुझे पता था कि मैप से आ गया था, बट अभी नहीं पता, पूछता हूँ कहाँ पे क्या है, चलता हूँ। यार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्सल कहाँ पे है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्सल जहाँ पे बाइक वगैरह आता है, पार्सल आ गया। इधर से जाना होगा, ठीक है, वही पार्सल आएगा तो बाहर से जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। बता रहे हैं कि उस साइड से जाके आगे से लेफ्ट लेना है। भाई जैसे तैसे तो ये पहुंच गया पूछते पूछते पूछते, तो कभी कोई इस साइड कभी कोई उस साइड, अब इतना ही सारा पार्सल, अब इसमें अपना बाइक ढूंढना है, बाकी बात करते हैं कहाँ पर मिलेगा और देखते हैं। भाई फ़ोन आया था, अब यहाँ पे देखा जा रहा कहाँ पे बाइक खड़ी है, अभी खोजने का काम चालू है। ये भैया लोग खोज गए कहाँ पे बाइक है, बाकी फ़ोन आया हुआ था लगभग 4:30 बजे के आसपास में, तो अभी देखते हैं क्या कुछ कब तक मिल पाता है। तो भाई यहाँ पे नहीं आया, लोरी गेट बोल रहे अभी वहाँ चल रहे, बाकी बहुत सारे दलाल यहाँ पे भाई, तो उनसे बच के आपस में ही लड़ रहे, बाकी निकलते हैं पार्सल हाउस से, उसके बाद चलते हैं। इधर से निकलने का है क्या भैया? हाँ, इधर बाहर निकलने। अच्छा, बहुत लफड़ा भाई, बहुत लफड़ा, वहाँ पर नहीं है तो पार्सल छुपाने, मतलब हालत खराब। एक तो दलाल ऐसे भाई लूटने में आगे, सब अपने लूटने में आगे हैं, देखते हैं क्या कुछ है कहाँ पे मिलता है, खोजने में हालत खराब और टाइम भी लगभग 7 बज चुका है शाम के। अब लोरी गेट बोल रहे, अब लोरी गेट कहाँ पे पता नहीं, चलते रिक्शा वगैरह पकड़ते उसके बाद बताते। तो भाई जितना पार्सल बुक करने में मुझे परेशानी नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो उसका डिलीवरी लेने में हुआ। अभी ये लोहरी गेट के पास में आए और इसको लोहरी गेट पौड़ी गेट क्या क्या बोलते पता नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ है, मतलब बहुत परेशानी हुआ। लगभग 1 घंटा तो मुझे स्टेशन पर उतरने के बाद ढूंढने में परेशानी हो रहा कि कहाँ से भाई डिलीवरी लेना है, तो फाइनली पता चला था पिछले वाले से यहाँ पर न्यू दिल्ली है, वहाँ से पता चला कि आपका जो है लाहौरी गेट पे पार्सल रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं यहाँ से पता करते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ है। भाई फाइनली यहाँ पे खड़ी है भाई, बहुत लंबे टाइम के बाद देख रहा हूँ, तो ये खड़ी है अपनी बाइक साइड से, साइड से सब तो आपको लग रहा है। बाइक सब तो कंडीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये खड़ी है, अगर इसकी डिलीवरी लेते हैं। कोई परेशानी हो भाई लेने में, इतना पहली बार ये करा रहा हूँ, चलिए इसकी डिलीवरी लेते हैं। भाई अब इसको खुद से ही इसको खोलना होगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ का सही लगा, लाहौरी गार्डन या क्या बोल रहे थे नाम अभी भूल गया, तो यहाँ पर जो है दलाल काफ़ी कम है, बाकी जो
न्यू दिल्ली का था पार्सल हाउस भाई, वहाँ पे बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा दलाल है, काफ़ी ज़्यादा लूटने वाले वहाँ पे। बाकी यहाँ पे आराम से खाली है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैंने दिया और देने के टाइम जो रिसिप्ट, दो रिसिप्ट मिला तो वो देना है, बाकी आईडी प्रूफ का फ़ोटो कॉपी देना है, तो काम हो गया है। बाकी मेरे पास फ़ोटो कॉपी नहीं था तो सर ने फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में ही रख लिया। बाकी ये बाइक को खोलना है तो खोलते हैं, पहले रख देता हूँ यहाँ पे हेलमेट, कुछ खोलने काटने का नहीं है, देखता हूँ यहाँ पे तो अगर हाथ से खुल जाता है तो सही है, तो नहीं फिर चाबी निकाल के चलना पड़ेगा। भाई इंडिकेटर तो टूटा हुआ था पर जुड़ा हुआ था, बट अब ये पूरा ही ख़त्म हो गया पीछे साइड से, मतलब हालत तो इसका ख़राब हुआ ही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड से भी टूटा हुआ है। सर पेट्रोल पंप कहाँ पर मिल जाएगा? कहाँ से? पाँच नंबर ले जाओ यहाँ से। ये अच्छा 6 नंबर। हाँ ये सामने 6 नंबर। अच्छा वहाँ से। हाँ ठीक है ठीक। हाँ तो भाई यहाँ से बताया गया है कि 6 नंबर में है, पेट्रोल मिल जाएगा, गुप्त बात है। तो भाई अभी तो बाइक मिल गया है और यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा था, बट 150 रुपये लीटर, तो पैदल ही चलते हैं अभी। भाई काफ़ी दिन बाद बाइक हाथ में है ना, अलग ही खुशी है। और साइड भी मेरा खुला हुआ है तो बाइक भी छोटा और हल्का लग रहा है। भाई अभी हालत ख़राब हो गया है, बहुत देर से चला के ला रहे पैदल। अब यहाँ से बता रहे कि अब पास में ही पेट्रोल पंप है, बट फिर भी भीड़ भाड़ में लगभग 2 किलोमीटर तो अभी तक मैं इसको धक्का देते हुए लेके आ चुका हूँ। और अभी पसीने हो रहा मुझे, आप लोगों को ठंड लग रही होगी और मुझे पसीना, जैकेट पहना हूँ और सोचा था खोल दूँ बट रखने का भी जगह नहीं है। तो आगे वहाँ पे लग रहा कि पेट्रोल पंप है। बाकी रास्ते से आते टाइम एक गजब का जगह दिखा जो बहुत ही डेंजर था, कभी और बताऊँगा। तो अभी हाँ सामने में पेट्रोल पंप दिख चुका है, मुझे उस साइड लेना होगा, चाबी तो इसमें है नहीं, तो इसलिए पहले चाबी लगाता हूँ और इंडिकेटर ऑन करता हूँ। फ्रंट वाला तो इंडिकेटर टूट चुका है, बैक वाला से काम हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ओ ब्रेक लगाओ भाई। अभी 500 का डलाता हूँ और पैसे नहीं है। 500 तो अब जो है यहाँ से रूट मुझे नहीं पता, तो अब मैं गूगल में फ़ोन करूँगा अपने मोबाइल में और चलते हैं सीधा घर। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो अब इसके आगे जो है हेलमेट में माउंट करने में मुझे टाइम लग जाएगा, तो सीधा अब घर पे मिलते हैं और अब मिलते हैं। बस टाटा बाय बाय।